एक दो चरण के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? मुझे लगता है कि शायद आपकी टीम ने मेरा पूरा कैंपेन को ट्रैक नहीं किया है, या शायद विकास की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको शायद टीआरपी के हिसाब से बैठता नहीं होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन दो चीजों पर केंद्रित है। एक, हमने समाज कल्याण को लिए, लोक कल्याण के लिए क्या काम किए, और सबसे बड़ा फर्क है और सरकारों में, मेरे सरकार में, वो ये है कि लास्ट माइल डिलीवरी, ये हमारी विशेषता है। नीतियाँ तो सर कोई सरकारें बनाती है, कोई सरकार बुरा करने के लिए तो आती नहीं है, अच्छा करना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा करना आता है, कुछ लोग अच्छा होने का इंतजार करते हैं। मैं ऐसा हूं कि मेहनत करके जो अच्छा हो करूं, मेरा हमेशा ऐसा रहा है। अब देखिए, मैं चुनाव में लगातार बोल रहा हूं कि हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। मैं इतना लोगों को कहता हूं कि आप इस चुनाव प्रचार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जिसके घर बनाना भी छूट गया हो, हर गांव में एक तो निकलेंगे, उनकी सूची मुझे भेजो, ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टर्म शुरू होगा मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 3 करोड़ घर और मैं बनाना चाहता हूं। अब आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एश्योरेंस की स्कीम है ये जी। 55 करोड़ लोगों को इलाज का भरोसा कि भाई अब आपको मोदी है, मोदी की सरकार है, 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा, संभाल लेंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति क्यों न हो, जिस भी परिवार में 70 से ऊपर की आयु के जो भी व्यक्ति होंगे, पुरुष स्त्री सब, उन सबको हम ये 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इस बार हमने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हम इसका बेनिफिट देंगे। ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, किसी भी आयु के क्यों ना हो, हम उनको ये बेनिफिट देंगे। तो ये बात हम लोगों को बताते हैं। अब आप देखिए जी, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो मिलकर जब तक करने के खेल चल रहे हैं ना जी, पहले कर चुके हैं जी, सारी बैंकें प्राइवेट थी, लूट लिया रातों रात, गरीबों के नाम पे लूटा गया। लेकिन हमारे देश की बैंकें खस्ता हाल हो गई, आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले, और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी, 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज्यादातर अर्बन लोकेलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को
नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी।